Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. तुम्हारी अति का पाठ तुम्हें सिखाने का समय आ गया है ज्ञानारी गणेश जी। सूरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः। गणेश, आज तुम्हारे सबसे बड़े भक्त का वध करने जा रहा हूँ। आओ, साहस है, मुझसे इसकी रक्षा करो। ये तुम्हारे छिपे बैठे रहने का समय नहीं है। आओ गणेश, आओ, आओ गणेश, आओ। पिताश्री, वो तो इस सृष्टि के कण कण में है, आप में है, मेरे भीतर है, प्रत्येक वस्तु में भी है, उन्हीं से ही तो सृष्टि की रचना हुई है। तुम अपना विवेक खो बैठे हो सुबोध, अपने नेत्र खोलो और देखो क्या दिखाई देता है। मैं त्रिलोक विजेता, त्रिलोक अधिपति ज्ञानरी, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर, और अब मैं तुम्हारा अंत करने वाला हूँ। कहाँ है तुम्हारा गणेश? क्या वो कहीं वायु से अचानक प्रकट होगा? मूर्ख। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। बस बहुत हुई है माया, अब इस माया और इसके कारण दोनों का अंत करूंगा मैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। मूर्ख उद्दंड बालक, अब अपनी मृत्यु के लिए तत्पर हो जाओ। ये क्या हो रहा है? ये अंकुश कैसा? महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः। गणेश जी, मेरे आराध्य गणेश जी। वाहनगः स्मृतः। तो तुम हो जिसने मेरे पुत्र को भटकाया है। और अब मुझे अपना मिथ्या पाठ सिखाने आए हो? मिथ्या नहीं, जो सत्य है उसी का पाठ तुम्हें सिखाने का समय आ गया है ज्ञानारी। हमने तुम्हें घृणा और हिंसा की विरक्ति से मुक्त करने का प्रयास कर सुपथ पर लौटने का अवसर दिया। हम चाहते थे कि देवताओं और असुरों के मध्य शत्रुता समाप्त हो। तुम्हें तुम्हारे पुत्र ने कितना समझाया ज्ञानारी, तो तुम्हारे नेत्र तो प्रतिशोध के आवरण से ढके हुए हैं, वो सत्य कहाँ देख सकेंगे? तुमने ना ही मात्र देवताओं का अपमान किया, अपितु तुम एक निरंकुश राजा, अहंकारी पति और निर्मम पिता की भूमिका भी निभाई। तुम जैसे क्रूर, दूषित और अहंकारी राजा तो केवल मृत्यु का ही भागी है, और अब तुम्हारी अति क्षमा योग्य तो कदापि नहीं। Thank you.
ये कैसे संभव है? इसके प्रभाव से तो पृथ्वी ही खंडित हो रही है। तुम्हारे कृत्यों का यही उचित दंड है। पिता का अंत हुआ, इसका बहुत दुख है मुझे, किंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी, अन्यथा वो जीवित ही होते। पिताश्री, गणेश ने अपने रौद्र महोदर रूप में वध कर दिया उस असुर का। हाँ कुमार कार्तिकेय, गणेश जी ने एक बार पुनः हम सबको एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। अब हम उनका पुनः धन्यवाद कर अपने अपने लोग लौट सकते हैं। हाँ, अब ज्ञानेरी रूपी मां संकट का विनाश जो हो गया है। अभी नहीं, संकट अभी पूर्ण रूप से मिटा नहीं। प्राणेश्वर, प्राणेश्वर! पिताश्री, ये देवी दकिनी किसे पुकार रही हैं? कौन है ये अर्नलासुर? देवी दकिनी ने अपने मुंह बोले भ्राता अर्नलासुर का आह्वान किया है। अब ये प्रसंग भी उजागर होने वाला है पुत्र कार्तिकेय। अभी तो गणेश का क्रोध भी शांत नहीं हुआ है। दकिनी का इस ससुर को बुलाना कहीं अग्नि में घृत डालने का कार्य न कर दे। कौन है, किसका आगमन हुआ है यहाँ? अब मेरा भ्राता अर्नलासुर तुमसे मेरे पति के वध का प्रतिशोध लेगा। गणेश, ये क्या कर दिया माँ ने? मामा अर्नलासुर को बुलाने का अनर्थ कर दिया। आ,
अब ये कौन है? प्रातः अर्नलासुर, मैंने कहा था ना, ये गणेश मेरे पति के लिए संकट बन सकता है। मेरा वो संदेश सत्य निकला भ्राता। देखिए कितनी निर्ममता से मेरे प्राणेश्वर का वध कर दिया इस गणेश ने। देखिए बहन दकिनी, जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो तुम्हारे पति की निर्मम हत्या का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। कौन है ये अर्नलासुर जो उस दुष्ट ज्ञानरी के अंत का प्रतिशोध लेने आ पहुंचा है? मैं अभी जाकर उसका अंत कर देता हूं। पुत्र कार्तिकेय, मुझे विश्वास है पुत्र गणेश इस अर्नलासुर का सामना करने का भी सामर्थ्य रखता है। हाँ पुत्र कार्तिक, इस समय गणेश अत्यंत विस्फोटक मनोस्थिति में। अब यदि तुमने भी अपने क्रोध पर नियंत्रण खो दिया तो अनर्थ हो जाए। शांत रखो अपने क्रोध पर। माँ, ये कैसा अनर्थ कर दिया? माँ, पुत्र सुबोध, मैं जो कर रही हूँ उसमें तुम्हारा कोई भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगी मैं। मेरी बहन ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था कि कैसे तुमने अपनी माया से मेरे भांजे को अपने माया जाल में फंसाया है। गणेश, मायावी तो तुम हो, ये तो मुझे ज्ञात हो गया था, किंतु तुम तो हत्यारे भी निकले। हत्यारे! तुमने मेरी बहन को विधवा बनाया है। मेरे भांजे सुबोध के सर से उसके पिता का संरक्षण छीना है। इसके लिए मैं तुम्हें उचित दंड दूंगा। मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। दंड दोगे मुझे? तो आओ, तो आज देख ही ले कैसे दंड देते हो तुम मुझे। गणेश, प्रतीत होता है तुम्हें मेरे सामर्थ्य का अनुमान नहीं है। मामा जी अपनी शक्ति से अनेकों अग्नि असुरों को उत्पन्न कर रहे हैं। उनकी मारक शक्ति का सामना करना होगा गणेश जी को। गणेश जी के समक्ष कोई अधर्मी शक्ति नहीं टिक सकती। अभी तो युद्ध आरंभ हुआ है गणेश, आज तुम्हारा अंत
होकर रहेगा। लो अब मेरा ये वार सहो। आश्चर्य, इसके श्वास में ही इतनी अपार शक्ति है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, इस समय में क्षमाशील नहीं, तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करूँगा मैं। इसीलिए वही भूल मत दोहराओ जो ज्ञानारी ने की थी। अभी भी समय है, जाओ, सुरक्षित लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा परिणाम तुम जानते हो अर्नलासुर। पिताश्री, गणेश का हृदय तो हम सभी देवताओं में सबसे अधिक कोमल है, वो तो सबसे अधिक क्षमाशील, फिर उसके भीतर ये क्रोध कैसे उत्पन्न हुआ? पुत्र कार्तिकेय, गणेश अपने क्रोधावेश में इतना अत्यधिक इसलिए बहा है क्योंकि ज्ञानरी ने उसके प्रिय भक्त सुबोध को क्षति पहुंचाने की चेष्टा की है। गणेश का यह उग्र रूप उसी का परिणाम है। भ्राता, मैंने आपसे सहायता की याचना की है, अब अपना कर्तव्य निभाइए। इस मायावी गणेश ने मेरे प्राणेश्वर की हत्या की है, उसको दंडित कीजिए। मैं यहाँ लौटने नहीं, तुम्हारा अंत करने आया हूँ गणेश। अंत करोगे मेरा? तुम मेरा अंत करोगे? तो आओ प्रयास करके देख लो। यही उचित है भ्राता, अंत कर दीजिए इसका। उसने अपनी श्वास से ही मुझे पीछे धकेल दिया। हाँ? गणेश, आज कुछ भी हो जाए तेरा वध अवश्य होगा। ये दुष्ट असुर छल युक्त वार कर रहा है गणेश पर। पूर्व ईश्वर सभी को सत्य मार्ग पर लौटने का अवसर देते हैं, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो सत्य मार्ग पर लौटता है या दंड का भागी बनता है।